सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DAR जनरल सचिन गुप्ता ने काशन दिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब इंद्रजीत साहब और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पंच निरीक्षण की दावत देने के लिए अपने हाथों में शमशीर थामे मंच की ओर बढ़ रहे हैं और उसी के साथ पायलट जीप भी हमारी नजरों में आ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर पायलट जीप पे सवार हुई शमीम लाती है हरदम पयामे आजादी और सभा पिलाती है हर वक्त जामे आजादी। सबक ये मिलता है दरियाओं की रवानी से जहां में कोई ना हो तश्न काम आजादी। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। जन भागीदारी से यही इलाका जात में तरक्की का अमल तेज हो चुका है जिसमें हमारे मुंतखबा शुदा पंच सरपंच BDC और DDC मेंबरान एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इसी के साथ वजीर आवाम से मुल्क के 75वें यूम आजादी के मौके पर मैं जिला इंतजामिया पंच की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज ही के दिन हमारे वतन को आजादी मिली थी और हमारे रहनुमाओं ने जमहूरी निजाम हुकूमत को राइज किया जिसमें हर शहरी को तरक्की करने और आगे बढ़ने का मुकावी मौका मिल सके। इस बार जब मुल्क आजादी की 75वीं सालगिरह यानी डायमंड जुबली के अमृत महोत्सव का जोश और खरोश और शानी शौकत से मनाया जा रहा है तो मुल्क के दूसरे हिस्सों के चाला जिला पुंछ में भी आजादी के बाद होने वाली तामीर और तरक्की पुलों जयपुर के बारे में प्रोग्राम हो रहे हैं। वही आवाम की आज ही शेरपुर के मुकाबले और दिनजोई के प्रोग्राम भी मुनाकिद किए गए हैं और सारण जिला में जहां गांधी का माहौल है इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3100 के करीब प्रोग्राम मुनाकिद हुए जिनमें से 7 लाख के ऊपर आवाम ने शिरकत की। हमारे मुहिम के वतन आवाम और जिला इंतजामिया की कोशिशों की बदौलत जहां इस वर्ष भी हालात खासगार रहे वहीं शिरपुर में आपकी मेल मिलाप और भाईचारों की देखने को मिला। आगे चंद दिन कपल जब कस्बा मंडी में जहाँ शहरी मुबारक किया था और यूमे अशूरा के जुलूस एक ही वक्त निकलने तय थे जिसे मुख्य अमन का मतलब बन सकता था लेकिन जिला इंतजामिया की कोशिशों से इस्लामी अखाड़ा उसके महान श्री विश्व आत्मा जी महाराज की सफारत में वाजिब शहरियों और सिया बरादरी के अपराध ने मिल बैठ कर एक दूसरे के
खेत वाले भी लोग कुछ स्मृति के साथ मंडी बाजार से गुजरे, जबकि मंडी में पेश किए और फुलवारी की हमारे भाई की भाईचारे को बड़ी तकलीफ मिली। आजादी के हमने महाउत्सव के सिलसिले में कौमी झंडे को गाड़कर लहराने की जो मुहिम पूरे मुल्क में जोखिम पर है, हमारे जिला में भी कौमी परचम लहराने की लहर गांव गांव फैल चुकी है और आवाम झंडे लेकर रैलियां निकाल रहे हैं, जो खुश होकर देखने को बनता है। इस वक्त तक 1.7 लाख झंडे वालों ने यूं ही आजादी पर अपने घरों पर लहराने के लिए हासिल किए हैं। मोहतरम सामीन, आजादी की डायमंड जुबली के मौके पर आज हम उसके उन मुहिम में वजन अपराध को याद करना मुनासिब समझते हैं जिन्होंने आवाम के लिए कड़ाई नमाया अंजाम दिए या फिर वचन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनमें आजादी के लिए जंग लड़ने वाले गुलाम कादर पांडे, 1947 के जंग के हीरो अशोक चक्रश्री ज्ञान सिंह, 1965 की जंग में दरअंदाजी का पता देने वाली अड़ाई गांव की पद्मश्री मालिनी और इसी जंग के दरमियान दरअंदाजी से अवामी सतह पर दखल लेने वाले महेंद्र के चौधरी अब्दुल गनी अलाका महेंद्र के ही अशोक चक्रश्री बाबूराम जी और दशक दर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले खिलाड़ी महेंद्र के शहीद शौर्य चक्र औरंगजेब के नाम काबिले जिक्र है। इस मौके पर हर पुंज की चुनाव जैसी सहायता शख्सियत मरहूम यशपाल शर्मा जी को भी खराज अकीदत पेश करते हैं, जो तमाम उम्र गरीब पहलों आज भी जिला पुंज के आवाम की तरफ से वजीर-ए-हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी और जे के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोहर सिन्हा जी की नहायत मशहूर ममनून हूँ, जिन्होंने मुगल रोड पर साल भर आमदोरफ्त जारी रखने के लिए रतन से लाल गुलाम तक 11 किलोमीटर लंबे टनल की मंजूरी अदा की है और इसके साथ ही जम्मूपुर शहर की खुशादगी और इस शहर के मुख्तलिफ मकाम पर टनल बनाने का काम भी जारी है। इसे जम्मूपुर का सफर सिर्फ 4 घंटे में तय हो सकेगा। काले रावण के दौरान पुंछ जिले के जहां अंदरूनी दहशत गर्दी से राहत मिली है, वहीं तरह की गोलाबारी भी बंद हुई है, जिसे आवाम को पुरसकून माहौल में तरक्की करने के मौके मयसर आए हैं। इसी तरह अब बुनियादी सतह पर पंचायती राज के तहत आवाम की मर्जी और जरूरतों के मुताबिक ग्राम सभा में मनसूबा साजी के अमल में तेजी लाई गई है और जिसके तहत मरकजी सरकार की माली मुआवजे वाली स्कीमों और आवाम के जोर शोरों के बाई जिले के तुईल और अर्ज में तामीर और तरक्की और आवामी फुला बहबूद के काम सुपुर्द रफ्तारी से जारी है। इस मौके पर मैं चंद अहम खसूलियातों का जिक्र करना मुनासिब समझती हूँ। गुजरता वर्ष के दौरान जिसके तहत बजट के तहत 1424 काम करने मकसूद थे, जबकि साल के इस्तेमाल तक 1434 काम मुकम्मल किए गए। काले रावण के दौरान जिला पुलिस में सफेद बजट के तहत 1924-26 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल हुई है, जिसके तहत मंजूरशुदा स्कीमों पर अमल आवरी जारी है और माली साल के इस्तेमाल तक माली अमली निशाना जात हासिल कर लिए जाएंगे, जबकि मरकजी सरकार की तरफ से डीएटीपी के प्रोग्रामों पर अमल आवरी के लिए 10.6 करोड़, सीमा समृद्धि योजना के लिए 5.76 करोड़ रुपए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लान के लिए 2 करोड़ रुपए और दर्जा प्रहित कद्दू की बहपोती के लिए 30 करोड़ रुपए मिलने की तवक्का है। महकमा देहात सिरहार की तरफ से 83.13 करोड़ रुपए का लेबर बजट मंजूर हुआ और इस वक्त 1.77 लाख काम दिन मयसर आए। गांव में बेघर खानदानों के लिए 9538 पक्के मकानों के तामीर की मंजूरी मिली है, जिनमें से जुलाई 2022 तक 6538 खानदानों के खातों में 32.69 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। 1.11 लाख को सब
सब्सिडी पर राशन दिया जा रहा है। सामाजिक भला हो गया बोर्ड प्लेटफॉर्म के तहत 65,719 उम्र सीधा मजदूर और विधवाओं को 1,000 रुपये महाना पेंशन दी जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 128 स्कीमें मंजूरी के लिए भेजी गई हैं, जिन पर 600 करोड़ रुपए खर्च आने का तहमीला है। इन स्कीमों पर नजायज काम से मंजूरी के बाद जल्दी काम शुरू हो जाएगा। किसान निधि योजना के तहत 38,720 किसानों के खातों में 70,47,00,000 रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 65,682 खानदानों में अब तक 3,98,00,000 क्विंटल राशन बांटा गया है। जिला अस्पताल पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोन कोट मंडी और महेंद्र में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहाँ से सस्ते दामों पर मरीजों को दवाएं दस्तियाब है। गुर्दे के मरीजों के लिए जिला अस्पताल पुंछ में मुफ्त डायलिसिस किए जा रहे हैं और उम्र सीधा अफराध का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है। जबकि आयुष्मान भारत के तहत जिले की 80% आबादी को पार किए गए हैं। जिला पुंछ में इस वर्ष 75 अमृत सरोवर बनाने का निशाना है, जबकि 50 सरोवर तामीर हो चुके हैं। पीएमजीएसवाई के तहत पुंछ और मैंडे डिवीजन के लिए 578 करोड़ रुपए की स्कीमें मंजूर हुई थी। अब तक 110 बस्तियों को सड़क रास्तों से जोड़ा गया है, जिससे 3,66,00,000 इफराद को फायदा हुआ है। इस बार मंडी का बदलाव 63 किलोमीटर लंबी सड़क की बाकी मानदा तामीर का काम पीएमजीएसवाई को सौंपा जा रहा है, जिसके लिए 102 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसी तरह डिमर गली से बल्लोई तक 43 किलोमीटर सड़क की बेहतरी और सुखाची के लिए 70 करोड़ रुपए की स्कीमें मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1,408 आंगनबाड़ी सेंटरों में 42,717 मेरे आलू को मुकवी गजा दी जा रही है। मैंडे नाला पर मनकोट के मकाम पर गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए 140 मीटर लंबा पुल तामीर के मलहरों से गुजर रहा है। मंडी कस्बा के करीब 110 मीटर लंबे डबल लाइन पुल की तामीर का काम जोर शोर से शुरू है। महेंद्र कस्बा के पास नाला मैंडी पर डबल लाइन पुल की तामीर हो रही है। एलओसी के करीब बेकार पुल की तामीर और बेहतरी के काम हुए हैं, जिससे दिगवार खेड़ा सोकर बघियाल दरा गाँव का रास्ता दरिया के उस पार दिगवार मलदियाला नूरकोट और नकरकोट से आसानी हो जाएगा। इसके अलावा नगर तामीराती आमा की तरफ से एक्सप्रेस लेन स्कीमों की नेपाल से मंजूरी मिली है, जिन पर 251 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें जंडक मंडी सड़क की कसरत की भी शामिल है। दर्जा सही टप्पू के 30,000 और पहाड़ी बोलने वाले लोगों के लिए 43,000 बच्चों को वजीफा जात से नवाजा जाएगा, जबकि 63,000 बच्चों को वर्दियों के लिए 3,82 करोड़ रुपए इनके खातों में जमा किए गए हैं। काले दौरों के दौरान इकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल डेरा मैदान में खोला गया, जिसमें 70 बच्चों के रहने खाने पीने और तालीम हासिल करने के लिए सहूलियात दस्तियाब है। तहसील सुरन कोट के मायानाथ सपूत शबीर अहमद गोर्जी ने इस बार यूपीएससी का इम्तिहान पास करके जिला का नाम रोशन किया। जिला की 5 लड़कियों और 4 लड़कों ने हॉकी जूनियर में यूपी की नुमाइंदगी की है, जबकि आरुषि शर्मा ने सूबाई सतह पर क्रिकेट के बेस्ट बॉलर और रिदम शर्मा ने बेस्ट विकेट कीपर का एजाज हासिल किया है। यूपी लेवल पर कौमी गीत गाने के मुकाबले में 13 से 18 साल के बच्चों के ग्रुप में पुंछ की बच्ची चारू टंडन ने पहले इनाम हासिल किया है, जबकि ग्रुप 4 के मुकाबलों में सरस्वती संगीत विद्यालय ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। मदरसा
की कालिका नूर फातिमा अस्सी कैटेगरी में बसे जमायत के इम्तहानात में जिला में अव्वल रही और 5 अगस्त को इज्जत मान मकरन बोरा ने इनकी पजीराई की है। जिला में इस वक्त तक 33 जबकि 1292 नौजवानों को रोजगार मिला है। काले रंग के दौरान ये सिलसिला जारी है। आज मुझे ये कहते हैं यहाँ सड़क हो रही है, अगर बुनियादी सतह पर ग्राम सभा BDC और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल आवाम का मेयार जिंदगी बुलंद करने में मशगूल है तो हरित जिला इंतजामिया और 24 पुलिस अमले के 22 तामीर और तरक्की और फुलाह बहबूद के कामों के लिए जिला में नहायत खुशगवार माहौल बन चुका है। मेरी आपसे अपील है कि आपसी मेल मिलाप और रवादारी को बनाए रखें और तामीर और बुलाही कामों में अपना हिस्सा अदा करें ताकि हम बेहतर जिंदगी रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल माशरे के हवा की ताबीर कर सकें। आखिर में एक बार फिर मैं यूं में आजादी की खतरे सारी गिरा पर आपको मुबारकबाद। मंच की ओर बढ़ रहे हैं और सेकेंड इन कमांड है इंस्पेक्टर कमल सिंह प्रेस कमांडर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुछ सचिन गुप्ता और ये शमशीर झुका के उन्होंने गोभी परचम के आगे परचम को और देश की आन पान और शान सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल की क्यादत में मंच के सामने से गुजरा है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का दस्ता और ये जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण शर्मा की क्यादत में मंच के सामने से गुजरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण शर्मा की क्यादत में मंच पुलिस सब इंस्पेक्टर सुवर्ण शर्मा की क्यादत कर रहे हैं और थोड़ी बच्चों को सजे उपरते हुए जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस के वार्ड सुरक्षा टीम हंगामी शोर से हाल से निपटने के लिए तस्वीर दी गई। जम्मू कश्मीर होम गार्ड सैयद बशारत बुखारी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट आसमान चौधरी की क्यादत में प्रिंसिपल सैयद मुस्तफा हुसैन शाहजाद की क्यादत में बच्चियों का रीत की क्यादत कर रही है। एनसीसी कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैजल अली और फैजल अली जो है एनसीसी श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरुषा रस्ता मंच के सामने से गुजरा है। गवर्नमेंट DYSP शहीद मंत्री शफीर हुसैन और ये शफीर हुसैन ने सैल्यूट किया गोभी बच्चों को सदस्यता शहदेव शाजू की क्यादत में मंच के सामने से गुजरता हुआ शहदेव शाजू क्यादत कर रहे हैं। एनसीसी द्वारा मेंबर आने बच्चियों को तालीम के जीवन से रास्ता कर रहे हैं। एनसीसी जनरल जवान अशरफ महमूद और ये NSS कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज हाई सेकेंडरी स्कूल
परचम लहराए बड़ी शान।